पिछले कई महीनों से हम सब परमेश्वर के वचन बाइबल से बहुत ही सिस्टमैटिक क्रमबद्ध तरीके से इस विश्व के की सृष्टि और विश्व के इतिहास के बारे में और उसके अलावा मुक्तिदाता उद्धार देने वाले प्रभु यीशु की जीवनी का भी अध्ययन कर रहे थे। मनुष्य की सृष्टि के बारे में प्रभु के वचन से मैंने आपको याद दिलाया था कि आज से बहुत समय पहले प्रभु ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और सृष्टि करने के बाद एक उम्दा बगीचा फार्म हाउस जो ना तो उसके पहले किसी ने देखा है ना उसके बाद किसी ने देखा बनाया है, जिसमें हर तरह के फल पेड़ आराम के लिए छाए सब कुछ था, जानवर थे पक्षी थे। प्रभु ने कहा कि देखो तुम्हारे अनुग्रह के लिए मैंने बनाया है, इसमें जितने फल हैं ये तुम्हारे खाने के लिए दिए हैं, लेकिन मैंने जो कहा है मेरी आज्ञा मानते रहना। हम जानते हैं कि आदम और हव्वा ने जैसे ही उनको मौका मिला वैसे ही उन्होंने पाप किया, पाप की क्या सजा हुई। लेकिन उस दिन प्रभु ने मनुष्य को ये बात याद दिलाई, मैंने अपनी तरफ से तुमको सब कुछ दिया लेकिन इन सब का आनंद भोगने के बाद तुमने मुझसे लंघन किया और पाप की सजा है मृत्यु। मनुष्य की याचना को सुनकर प्रभु ने कहा ठीक है, मैंने सब तुमको दिया, तुमने लंघन किया लेकिन तुमने प्रायश्चित किया, इस कारण मैं तुमको अपनी करुणा दिखाऊंगा। ये तीन बातें प्रभु के वचन में हम बार बार देखते हैं। प्रभु मनुष्य के लिए सब कुछ इंतजाम करते हैं, मनुष्य पहला अवसर मिलता है तो उसी अवसर पर प्रभु के विरुद्ध लंघन करता है, लेकिन जब सजा देखता है और प्रभु के सामने पश्चाताप करता है तो प्रभु अपनी करुणा दिखाते हैं। आदम और हव्वा के बेटे काइन और हैबिल के बारे में मैंने बताया था कि किस तरह से प्रभु के सामने हाबिल एक पवित्र व्यक्ति था, काइन का जीवन सही नहीं था और इस कारण प्रभु ने हाबिल को ग्रहण किया, काइन को ग्रहण नहीं किया और काइन ने अपने स्वयं के जीवन को सुधारने के बदले अपने भाई की हत्या कर दी। लेकिन बाद में जब वो प्रभु के सामने रोया गिड़गिड़ाया, प्रभु ने उसके ऊपर भी दया दिखाई। मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ने लगे और जब मनुष्य बहुत बढ़ने लगे तब हमने देखा कि किस तरह से मनुष्य के मन में पाप आया और पाप इतना बढ़ गया कि प्रभु ने इस दुनिया में सबको मिटा देने के लिए डिसाइड किया लेकिन एक परिवार को बचाया। नूह नाम का व्यक्ति जो अपने जीवन में बहुत धर्मी था उसको बचाया, नूह की पत्नी को बचाया, नूह के तीन बेटे और उनकी पत्नियों को बचाया एक अति विशाल जहाज की मदद से। फिर नूह और उसकी पत्नी जब बाहर आए, प्रभु ने कहा सारी दुनिया में फैल जाओ, लेकिन फैल जाने के बदले एक जगह पर उन लोगों ने सेटल होने की कोशिश की। उन्होंने एक बहुत बड़ा मीनार बनाने की कोशिश की जिसको बाबुल का मीनार कहा जाता है और हम देखते हैं फिर से प्रभु ने उनको सारी दुनिया में छितरा दिया। इसके बाद प्रभु ने अपने लिए एक व्यक्ति को चुन लिया जिसका नाम था इब्राहिम। इब्राहिम को बताया कि देखो मैं मनुष्य जाति को मुक्ति प्रदान करने के लिए एक मुक्तिदाता को इस संसार में भेजने वाला हूँ और वो मुक्तिदाता तुम्हारे परिवार में पैदा होंगे। इब्राहिम के बारे में हमने देखा किस तरह से बहुत साल वेट करने के बाद 100 साल की उम्र में प्रभु ने जो प्रॉमिस किया था उसके अनुसार उनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम इसहाक रखा। इसहाक के मामले में भी प्रभु ने इब्राहिम को टेस्ट किया, जांचा, लेकिन इब्राहिम प्रभु के प्रति विश्वस्त रहा, इसलिए प्रभु ने कहा कि मैं तुमको अनुग्रह दूंगा। यहाँ तक कहानी हमने या हिस्ट्री चरित्र बहुत डिटेल में परमेश्वर के वचन से हमने सुना था। इसहाक के दो बेटे हुए,
कई बेटे बेटियां हुई जिनमें से दो महत्वपूर्ण हैं। बड़े बेटे का नाम था ईसाव और छोटे बेटे का नाम था याकूब। दोनों ही इसहाक के बच्चे थे और इस कारण प्रभु ने इन दोनों बेटों को हर तरह से अनुग्रह दिया था। लेकिन मेरे और आपके जीवन में हमको जो अनुग्रह मिलता है, उस अनुग्रह का उपयोग हम किस तरह से करते हैं, इस पर डिपेंड करता है कि कल क्या होगा। मैं इसके पहले भी कई बार याद दिला चुका हूं कि दुनिया का सर्वोत्तम टीचर किसी भी एक विषय को जिस तरह से समझाया जा सकता है, उसके बेस्ट से बेस्ट तरीके से क्लास में सिखा देता है, इसके बावजूद सब विद्यार्थियों के नंबर एक जैसे नहीं होते हैं। हाँ, दो चार हैं जो बहुत तेज होते हैं, उनको छोड़ दीजिए। दो चार होते हैं जो बहुत ही मंद बुद्धि होते हैं, उनको छोड़ दीजिए। लेकिन बाकी उस क्लास में जो 60% लोग हैं, सबकी बुद्धि लगभग एक समान होती है, पढ़ने के लिए सबकी कैपेसिटी लगभग एक समान होती है, लेकिन इसके बावजूद सबके नंबर एक समान नहीं आते। क्यों? इसलिए कि एक समान मिला लेकिन एक समान उसका उपयोग नहीं किया। याकूब और ईसाव जो इसहाक के दोनों बेटे थे, इनको प्रभु ने हर तरह का अनुग्रह दिया था, लेकिन उस अनुग्रह का उपयोग उन्होंने किस तरह से किया, इसके बारे में प्रभु के वचन में हम डिटेल पढ़ते हैं। और वो डिटेल, हम उस डिटेल में दो बातें आज मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। उत्पत्ति की पुस्तक से मैं पढ़ के सुनाऊंगा, बस आप सुन लीजिए। 26वें अध्याय के 27वें पद में मैं यहां से पढ़ के आपको सुनाई देता हूं। 29वें पद में लिखा है, एक दिन याकूब छोटा ब्रदर है, मैं यह बात याद दिला दूं, ये पुराने नियम में पेज 30 पर है और 29वां पद। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था। ये बात याद रखें, कोई मिठाई या हलवा या जलेबिया, मालपुआ या इस तरह से कोई बहुत ही टेस्टी चीज नहीं, दाल बना रहा था। और हम जानते हैं कि दाल एक ऑर्डिनरी भोजन है, ठीक है। उस समय बड़ा भाई ईसाव जंगल से थका हुआ आया। उसने छोटे ब्रदर याकूब से कहा, वो जो लाल वस्तु है, मसूर की दाल आपने देखा है, वो लाल होता है, इस तरह के कई दाल हैं जो लाल होते हैं, वो जो लाल वस्तु है उसमें से कुछ मुझे खिलाओ, क्योंकि मैं थका हुआ हूं। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार मेरे हाथ में बेच दो तो मैं ये दाल तुमको दे दूंगा। ईसाव ने कहा, मैं तो मरने पे हूं, पहलौठे के अधिकार से क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, ऐसा नहीं, मुझसे शपथ खाओ कि तुम्हारे पहलौठे का अधिकार मुझे बेच रहे हो। तो उसने शपथ खाई, पहलौठे का अधिकार अपने छोटे भाई याकूब को बेच दिया। याकूब ने ईसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी, उसने खाया पिया उठकर चला गया। अब एक बात ध्यान दे, बाइबल में एक स्टेटमेंट है, अपने पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। आधुनिक युग में जीने वाले मैं और आप जब इस हिस्ट्री को या चरित्र को सुनते हैं, तो एकदम से शायद कुछ समझ में ना आए, तो इसको समझ आने के लिए मैं जरा एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए एक आदमी जो खाना पकाना नहीं जानता है, वो वाइफ के इंतजार में है कि कब वो आए और कब कुछ खाना पकाए। वाइफ कहीं नाते रिश्तेदारी में गई थी, तो उसके वापसी के इंतजार में एक आदमी करोड़पति इंतजार में है। उस दिन नौकर भी कोई नहीं आया और घर पे कुछ खाने को नहीं है, तो क्या किया जाए, ऐसा सोचते सोचते वो बैठा है, तो सामने से एक फल वाला आता है और उस फल वाले से कहता है, भैया थोड़ा सा फल मुझे दे जाओ,
बाई चांस मेरे पास पैसा भी नहीं है, पैसा मैं कल तुझे दे दूंगा, लेकिन 4 केले दे जाओ जिससे कि मुझे भूख संतुष्टि हो जाए। केला वाला कहे कि भैया पैसे के बिना मैं नहीं दूंगा, तुम तो बड़े करोड़पति आदमी हो, एक काम करो ये मकान मुझे बेच दो, 4 केले मैं तुमको दे दूंगा। तो यदि वो करोड़पति कहे कि भैया मैं तो भूख से मरने वाला हूँ और मर जाऊंगा तो ये करोड़ों का घर मेरे किस काम का है, इसलिए ये घर भी रखो, यहाँ जो कुछ है सब रखो, मुझे 4 केले दे दो, तो केले वाला क्या करता है, 4 के बदले 6 केले दे देता है, लेकिन उसके पहले लिखवा के ले लेता है कि ये मकान मेरा हो गया। ऐसा कोई करता है क्या? नहीं करता है। लेकिन एग्जैक्टली इस तरह से बड़े भाई ने किया कि उस जमाने में परिवार में जो बड़ा भाई होता था वो उस परिवार के पिता के समान होता था। आज भी यदि आप गांव में चले जाएं तो एक परिवार में जहां 6, 8, 10, 12 बच्चे होते हैं वहां बड़ा भाई पिता के समान होता है, बल्कि लोग अपने फादर से आराम से बात कर लेते हैं, बड़े भाई से बात करने में उनको डर लगता है। मैं इस तरह के विलेज गांव के बैकग्राउंड से आए और मैंने कई परिवारों में देखा है बड़े भाई से कोई बात नहीं कर सकता है, इतना पावरफुल होता है। मैंने अड़ोस पड़ोस में भी ऐसे कई परिवार देखे हैं जहां बड़े भाई से डायरेक्टली बच्चे छोटे भाई लोग जाके बात नहीं करते, वो उस परिवार का मालिक होता है, वो उस परिवार का सब कुछ सर्वे सर्वा होता है। तो ज्येष्ठ अवकाश हम जिस चीज को बोलते हैं, जिसको हम भारतीयों ने अभी तक देखा है, आज भी गांवों में है, उस ज्येष्ठ अवकाश के बारे में छोटा भाई कहता है कि बड़े होने का सारा अधिकार मुझे बेच दो, तो उसने बड़े आराम से एक कटोरी मसूर के दाल के लिए उसको बेच दिया। एक बात और याद रखें, बड़े होने के अधिकार के साथ साथ प्रॉपर्टी में उसका डबल पोर्शन हुआ करता था, वो भी बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, काहे के लिए, एक कटोरी मसूर के दाल के लिए। कैसी विचित्र बात है। लेकिन कई बार मेरे और आपकी स्थिति बिल्कुल इसी तरह से है कि हम प्रभु ने हमको जीवन में जो कुछ दिया है उसके महत्व को नहीं समझते हैं। हम कहते हैं अब जैसे वो कह के, अरे मैं तो भूखा हूं मर जाऊंगा, एक कटोरी दाल दे दो, सब कुछ ले लो। कई बार जीवन में जो परेशानी आती है उसके बारे में मैं और आप बिल्कुल ऐसा ही सोचते हैं। देखिए, भूख हरेक को लगती है और भूख से कोई मर नहीं जाता है। हम खुद जानते हैं कि भूख हड़ताल करते हैं लोग, एक एक हफ्ता, दो दो हफ्ता, तीन तीन हफ्ता बिना खाना खाए जीवित रहते हैं, बस पानी मिलता चला जाए। पानी तो उधर बड़े भाई को वहां कुएं में, वो छोटे भाई को वहां कुएं में मिल गया होगा, पानी नहीं मांगा उसने, खाना मांगा। बिना खाने के कोई मर नहीं जाता, वो कह रहा है कि मैं तो मर जाऊंगा। हमारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को बड़ा चढ़ा के पेश करना और उसके बाद ये सोचना कि सब खत्म हो जाएगा, ये ना केवल उसके जीवन में ये समस्या थी, मेरे और आपके जीवन में भी एग्जैक्टली इसी तरह की समस्या आती है। और हम भी कई बार इस तरह से सोचते हैं। आज जो पहली बात मैं आप सबको भाइयों और बहनों को याद दिलाना चाहता हूं वो ये है कि जब तक है जिंदगी तब तक संघर्ष लगा रहेगा। बच्चा जब पैदा होता है, जब उसके मुंह में दांत आते हैं तब से उसका संघर्ष चालू हो जाता है। हम जानते हैं बच्चों को जब मुंह में दांत आते हैं कितना वो रोता है,
दस्त लगते हैं, परेशानी होती है। उसके बाद फिर जब वो घुटनों पे चलने लगता है, बैलेंस नहीं होता, इधर टकराता है उधर टकराता है, फिर जब वो खड़ा होने की कोशिश करता है लुढ़क के गिर जाता है। पैदाइश से लेकर जब तक है जिंदगी, तब तक जिंदगी में छोटी और बड़ी परेशानियां लगी रहेंगी। इन छोटी और बड़ी परेशानियों से कोई मर नहीं जाता, कोई खत्म नहीं हो जाता। लेकिन जिस तरह से बड़े भाई छोटे भाई ने बड़े भाई की लापरवाही को देखा, उसी तरह से दुनिया मेरे और आपके जीवन में जो लापरवाही है, जो केयरलेसनेस है, उसको ध्यान से देख रही है, जिससे कि हमारी लापरवाही के द्वारा हमको खरीद ले सके और हमसे गलत काम करवा सके। जैसा मैंने याद दिलाया, एक कटोरी दाल से ना तो किसी की जिंदगी बच जाती है, ना ही एक टाइम के भूख से कोई मर जाता है। लेकिन यदि हम अपने जीवन में प्रभु ने हमको जो दिया है उसको सही नजरिए से नहीं देखेंगे, तो हमको तो हर चीज बड़ी समस्या मालूम पड़ेगी। लोगों के पैर में आलपिन लग जाता है तो वो हफ्ते हफ्ते भर घर बैठे रहते हैं कि अरे आलपिन लग गया। जबकि हिंदुस्तान ने जिन युद्धों में भाग लिया है, उन युद्धों को देखें तो ऐसे कई सैनिक थे जिन्होंने एक नहीं, दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच गोलियां खाने के बावजूद जमीन पर गिरने पड़ने के बदले अपने साथ के साथियों की सुरक्षा की, उनको खींच के उनको खतरे से बचाया। एक आलपिन को बड़ी चीज समझता है, दूसरा गोली खाने के बाद भी अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण करने की कोशिश करता है। एग्जैक्टली यही हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। जरा सी भूख क्या लगी कि उसने अपने पहलौठे का अधिकार ही बेच खाया, लिटरली बेच खाया। प्रभु ने इस बात को पसंद किया क्या? नहीं। प्रभु एसाव से बहुत नाराज हुए, क्योंकि जीवन में हमको जो कुछ मिला है ये प्रभु से मिला, इस बात को बड़े भाई ने नहीं समझा। चाहे भोजन हो या भूख हो, मेरे और आपके जीवन में जो भी मिलता है वो प्रभु से मिलता है। थोड़े से लोग इस बात को समझ लेते हैं और उसके अनुसार जीवन बिताते हैं। ज़्यादातर लोग इस बात को समझते नहीं हैं, जरा सी चीज को बड़ा करके देखते हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। मैं इस बात के बारे में जब सोचता हूँ तो एक व्यक्ति को बार बार मैं याद करता हूँ। आज से लगभग 60, 70 या 80 साल पहले एक स्त्री थी जिसका नाम था फैनी क्रॉसबी। स्वस्थ थी, अच्छे खासे परिवार की थी। बचपन में आंखों में कोई परेशानी हुई तो एक लापरवाह डॉक्टर ने सही दवाई डालने के बदले उसने एक ऐसा रासायनिक पदार्थ उसकी आंख में डाल दिया जिससे उसकी आंखों की, दोनों आंखों की रोशनी चली गई। मतलब जो लड़की रोशनी लेकर पैदा हो गई थी, 3 साल की उम्र में दोनों आंखें उसकी चली गईं एक डॉक्टर की लापरवाही के कारण। वो लड़की तो जिंदगी भर ये रोना रो सकती थी कि देखो प्रभु ने मुझे आंखें दी और इस आदमी ने मेरी आंखें छीन ली। जिंदगी भर वो अपने जीवन में कड़ुएपन के अनुभव से गुजर सकती थी, जिंदगी भर वो दूसरे की बुराई के साथ जी सकती थी। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उस स्त्री का नाम था फैनी क्रॉसबी। उसने धीरे 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 जो उसके सामने अवसर आए उस सारे अवसर का सही उपयोग किया और फाइनली उसको ये बात अच्छी तरह से समझ गई कि वो अच्छी तरह से गानों की रचना कर सकती है। और उसने एक एक करके गाने लिखने शुरू कर दिए।
उसने अपने जीवन में 7,000 गाने लिखे। जरा सोचिए, किसी ने एक बार उससे पूछा कि फैनी, यदि आंखों को खोने के बावजूद यदि तुम 7,000 गाने लिख सकी, तो यदि तुम्हारी आंखें तुमसे खो नहीं जाती तो तुम तो बहुत कुछ प्रभु के लिए कर सकती थी। तब उसने जवाब दिया, नहीं, प्रभु ने मुझे आंखें दी जिससे कि मैं समझ सकूं कि नजर क्या चीज है, और बाद में प्रभु ने मेरी आंखें ले ली, सांसारिक आंखें ले ली, जिससे कि मेरी आत्मिक नजर खुल जाए, और इसलिए आंखों के ना होने और मेरी सेवा शुश्रूषा में कोई संबंध नहीं है, बल्कि ना होने के कारण मैं प्रभु को और स्पष्ट तरीके से देख सकी और अपने जीवन में प्रभु के लिए कर सकी। उस बहन के गुजर जाने के बाद मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है, 60, 70 या 80 या 90 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उस बहन के द्वारा लिखे गए कई गाने, अंग्रेजी गाने हैं, मसीही जगत में प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं, लोग गाते हैं और उन गानों के द्वारा अनुग्रह पाते हैं। मुझे और आपको ये बात समझनी चाहिए कि मेरे और आपके जीवन में जो कुछ आता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वो प्रभु ने दिया है, और चूंकि वो प्रभु ने दिया है इसलिए उसके मकसद को, उसके उद्देश्य को, उसके पर्पस को समझकर हम अपने जीवन का सही उपयोग करें, ना कि सब कुछ बेच खाएं, जिस तरह के हिसाब ने किया था। ये पहला पॉइंट आज मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूं। लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं होती है। आगे हम जब बढ़ते हैं तो 27वें अध्याय में हम देखते हैं कि इनके पिताजी इसहाक जीवन के अंतिम क्षण में आ गए, और वो अपनी मृत्यु से पहले प्रभु ने उनको जो अनुग्रह दिया था वो अनुग्रह अपने बेटे को पास करना चाहते थे, देना चाहते थे। स्वाभाविक है, वो अपने बड़े बेटे एसाव को देना चाहते थे, लेकिन माँ ने और याकूब ने मिलकर कुछ इस तरह से षड्यंत्र किया कि बाप को जो सबसे टेस्टी भोजन है उस तरह का भोजन बनाया, और भोजन बनाकर याकूब अपने पिताजी के पास ले गया, बोला, पिताजी आपने भोजन के लिए कहा था, मैं आपका इष्ट भोजन तैयार करके ले आया हूं। अरे पिताजी ने कहा, तू इतने जल्दी कैसे तैयार कर लाया? डिटेल छोड़िए, कहानी का डिटेल हम कभी जब सेकेंड राउंड इन चीजों का अध्ययन करेंगे तब हम डिटेल्स लेंगे। समय मिले तो 27वें अध्याय को जरा पढ़ के देखिए। तो याकूब ने जवाब दिया, पिताजी आपका इष्ट भोजन तैयार करने के लिए आपने मुझसे कहा और प्रभु ने मेरी मदद की, इसलिए मैं जल्दी से तैयार करके ले आया, अब इसको उठकर खा लीजिए। पिताजी को आंखें नहीं दिखती थीं, इतने बूढ़े हो गए थे। उन्होंने उठकर भोजन खाया, उन्होंने कहा कि वाह 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 वाह, मैं संतुष्ट हो गया हूं, लेकिन तेरी आवाज कुछ गड़बड़ है, तू मेरा बड़ा बेटा नहीं है, बड़े बेटे की आवाज नहीं है, ये तो छोटे बेटे की आवाज है। वो बोला, नहीं नहीं पिताजी, आपको ऐसा लग रहा है। फिर भी पिताजी ने कहा, मैं तुझे जरा टटोल के देखूं कि तू मेरा बड़ा बेटा ही है क्या। टटोल के देखा, हाँ, वो बोले कि बड़े बेटे के समान लगता है, स्मेल वगैरह बड़े बेटे के समान ही है। एक्चुअली क्या है, हम में से एक ही परिवार के लोग जो, उन सबके शरीर का स्मेल लगभग एक जैसा होता है, खासकर ये लोग जो तंबुओं में रहते थे, पंखे वगैरह तो होते ही नहीं थे,
और जिस तरह से अपने उत्तर भारत में 50-50 डिग्री टेम्परेचर होता है, ऐसे भयानक टेम्परेचर में एक आदमी के पास 3-4 जोड़ी कपड़े नहीं, एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 जोड़ी कपड़े होते थे, पसीना वगैरह उसमें एब्जॉर्ब हो जाता था, उन सब का अपना स्मेल रहता था। पिताजी ने कहा कि आवाज़ छोटे बेटे जैसी है, लेकिन तू पास आया छूने पे लगता है कि तू बड़ा बेटा ही है, और तेरे कपड़ों वगैरह से जो स्मेल आ रहा है वो लगता है कि बड़े बेटे का, इसलिए हे मेरे बेटे, मैं ईश्वर के नाम से अपने बड़े बेटे को जो अनुग्रह देने जा रहा हूँ वो सारा अनुग्रह आज मैं तुझे देता हूँ। इस तरह से छोटे बेटे ने बड़े बेटे को जो अनुग्रह मिलना था वो सब बड़े बेटे से छीन लिया। प्रभु ने क्यों ये करने दिया, वो जब हम बाद में हिस्ट्री पढ़ते हैं तब पता चलता है कि प्रभु ने छोटे बेटे को काफ़ी सजा दी थी। उसने अपने भाई को धोखा दिया तो उसका ऐसा मामा मिला जो अपने भाई से भी 10 गुना, वो उससे भी 10 गुना ज़्यादा चालाक था, और उसने खूब जम के उसको धोखा दिया। वो बात अलग है, हम जो भी जीवन में धोखा देंगे वापस जरूर आएगा, लेकिन आज हम जो स्टडी कर रहे हैं उसमें वो हमारा विषय नहीं है। आज हमारा विषय ये है, एक बार प्रभु ने आपको जो दिया है आप उसको तुच्छ जानते हैं और उसका तिरस्कार करते हैं, तो बाद में आपके जीवन से जो कुछ आपके जीवन में प्रभु ने दिया था वो सब एक एक करके आप उसको खो देंगे। प्रभु यीशु ने एक बार अपने शिष्यों को यह बात बताई थी कि जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। ये इसको हिंदी में इस तरह की चीजों को शाश्वत नियम बोला जाता है। शाश्वत नियम का क्या मतलब है, ऐसे नियम जो कल भी सही था आज भी सही है कल भी सही होगा हमेशा हमेशा। जीवन के हर एरिया में ये एक प्रिंसिपल है, जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। जीवन के हर एरिया में, यस जीवन के हर एरिया में। 1.5 महीने पहले जब मेरी सर्जरी हुई थी, सर्जरी के बाद 24 घंटे तो आपको अलग रखते हैं, उसके बाद आपको अपने कमरे में ले आते हैं। मुझे कमरे में लाने के बाद डॉक्टर ने आके मुझसे बोला, देखो 2-2 सर्जरी हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि 24 घंटे बिस्तर पे पड़े रहना है, एक काम करना जिस समय दर्द कम हो वो टाइम देख के बिस्तर से उठ के कम से कम 5 मिनट कमरे के अंदर चलना। मैंने सोचा कैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, यहाँ 2-2 सर्जरी हुई है, लोग तो नाखून काटने के बाद बिस्तर पर पड़ जाते हैं कि वो उसके साथ साथ जो है थोड़ा सा स्किन भी कट गया, और आपने यहाँ डबल सर्जरी करवाई हमारी और उसके बाद कह रहे हैं कि हम चलें फिरें, कैसी बात है। डॉक्टर साहब ने बोला हाँ यही है, लोगों को ऐसा लगता है कि सर्जरी हुई इसलिए अब जो है 1-2-3 महीने हम बिस्तर से ही नहीं उठेंगे। और उन्होंने कहा कि सुनिए फिलिप साहब, मेरे कई ऐसे रोगी हैं जिनको मैं जैसे आपको बता रहा हूँ ऐसे उनको बताता हूँ कि 5 मिनट चलो, उसके बाद जाके 1/2 घंटा लेटो, फिर 5 मिनट चलो और 1/2 घंटा लेटो, लेकिन 1/2 घंटा लेटो को वो लोग सुनते हैं लेटे ही लेटे रहो, 5 मिनट चलो जो मैं बोलता हूँ उनको सुनाई नहीं देता है। रिजल्ट क्या होता है, हफ्ते भर के बाद हम डिस्चार्ज कर देते हैं, 3 महीने के बाद हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब अब चला नहीं जा रहा, खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा,
पीठ में दर्द है, पेट में दर्द है, चक्कर आ रहा है। मैं उनसे पूछता हूँ कि पहले दिन से मैंने तुमसे कहा था कि 5 मिनट चलना, फिर 8 घंटे रेस्ट करना, फिर 5 मिनट चलना, 8 घंटे, किया क्या? अरे वो उनका जवाब होता है, डॉक्टर साहब इतनी बड़ी सर्जरी हुई थी, उसके बाद मैं कैसे चलता, कैसे फिरता, मैं तो पिछले 3 महीने से लेटा ही लेटा था। तब डॉक्टर का जवाब होता है, जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी छीन लिया जाएगा। मतलब मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि बिस्तर से उठ के मील भर दौड़ो, मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि बिस्तर से उठ के मील भर चलो, मैंने कहा था बिस्तर से उठ के 5 मिनट इस कमरे के अंदर चलो। नहीं किया, तुमने अवसर खो दिया। रिजल्ट क्या हुआ? नहीं था, इसलिए जो था वो भी तुमसे खो गया। और अब 3 महीने के बाद तुम मेरे पास आए हो, अब तुमको कम से कम 6 महीने लगेंगे ठीक होने में। अच्छे डॉक्टर थे, खड़े होकर उन्होंने काफी अच्छी तरह से बात समझाई। डॉक्टर के जाने के तुरंत बाद मैं चलने लगा, और जितना उन्होंने कहा था वो सब मैंने किया। डिस्चार्ज करने से पहले मेरे 2 सर्जन थे, एक फिजिशियन था, तीनों ने ये बात पूछी कि भैया तुम इतने जल्दी चंगे कैसे हो गए, हम तो सोचते थे कि तुमको अभी हफ्ते भर और रखेंगे और तुम अभी से घर जा रहे हो। तो मैं उसके 2 जवाब है। पहला जवाब ये है कि मेरे लिए सैकड़ों या हजारों लोग प्रार्थना कर रहे थे, इसलिए प्रभु ने मुझे चंगाई दी। लेकिन उसका एक दूसरा साइड भी है, और दूसरा साइड ये है कि जब डॉक्टर ने कहा चलो तो मैं चला, बार बार चलो मैं बार बार चला, इसलिए मेरा जो स्वास्थ्य था, जो था वो सुरक्षित रहा, और जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। ये एक शाश्वत नियम है मेरे प्रिय भाई और बहनों। चाहे आपका आत्मिक जीवन हो, चाहे आपका सामाजिक जीवन हो, चाहे आपका स्वास्थ्य हो, जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। उस बड़े भाई ने आज से कुछ साल पहले अपना जो बड़े भाई का स्थान था, जो अधिकार था, प्रभु से मिला था, उसने अपने आप को बड़ा नहीं बनाया, प्रभु ने उसको बड़ा भाई के रूप में जन्म दिया था, उसको तुच्छ जाना। काहे के लिए? एक कटोरी दाल के लिए। ना केवल उसको तुच्छ जाना, उसने एक कटोरी दाल के लिए अपना ज्येष्ठ अवकाश, बड़े भाई होने का अवसर, जो अधिकार था, बेच दिया। उसको प्रभु ने दिया, उसको उसने बेच दिया। जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं 2 पॉइंट आज जो मैंने बताए, दोनों पॉइंट्स फिर से याद दिलाना चाहता हूँ तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ने के पहले। पहला पॉइंट ये है कि चाहे मेरा जीवन हो, चाहे आपका जीवन हो, मेरे और आपके जीवन में जो कुछ है, चाहे अच्छा हो, चाहे उस बहन की आंखों के समान बुरा हो, लेकिन ये प्रभु ने दिया है, इस कारण उसको कभी भी किसी भी हालत में तुच्छ नहीं समझना चाहिए। मेरे और आपके जीवन में बहुत सारी दुखदायी बातें हैं। किसके जीवन में नहीं है? हर एक के जीवन में है, लेकिन प्रभु ने दिया है इसलिए उसको तुच्छ ना जाने, उसका उपयोग करने की कोशिश करें। उसको तुच्छ जानकर प्रभु ने आपके जीवन के लिए, कल के लिए जो अनुग्रह रखा है उसको बेच ना खाएं। दूसरी बात, यदि प्रभु ने जो दिया है उसका उपयोग हम सही तरह से करेंगे, जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है
उसके पास जो है वो भी उसे छीन लिया जाएगा। प्रभु ने आपको जो दिया है उसकी सुरक्षा करें, उसको तुच्छ ना जाने, नियमित रूप से उसका उपयोग करें। धीरे 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 आप देखेंगे कि आपका जीवन बदलने लगा है, आपके जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें आने लगी हैं जो आपने कभी नहीं सोची थी कि आपके जीवन में आएंगी। उस बहन ने अपने अंधे हो जाने पर जीवन पर बैठकर रोने के बदले प्रभु ने उसको जो गिफ्ट दिया था उस गिफ्ट का उपयोग करना शुरू किया, तो एक नहीं, दस नहीं, सौ नहीं, हजार नहीं, 7,000 गाने लिखे। 7,000 गाने कितने दिन के बराबर होते हैं? एक व्यक्ति एक दिन एक गाना लिखे तो 7,000 गाने लिखने के लिए कितने दिन चाहिए? 20 साल। हम सब जानते हैं कि कोई भी गायक एक दिन में नहीं लिखता है, उसको सोचना पड़ता है, प्रार्थना करनी पड़ती है, प्रभु से प्रोत्साहन पाना होता है और उसके बाद वो रफ लिखता है, उसको फेयर करता है, उसको ट्यून करता है, बहुत कुछ करता है। मतलब इस बहन ने, प्रभु ने उसको जो कमजोरी दी थी उसके कारण जीवन को बेच खाने के बदले उसका उपयोग किया और सालों 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 उसका उपयोग किया। ना केवल उसके जीवन में अनुग्रह आया, दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में वो अनुग्रह का कारण बन गई। आज इस दुनिया में जिन लोगों ने इस दुनिया को बहुत अच्छा बनाया है, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके जीवन में कोई भी अच्छी बात से मेरा मतलब है एजुकेशन नहीं था, पैसा नहीं था, बड़ा परिवार नहीं था, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो उनके पास नहीं थी, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने दूसरों के जीवन में जो कॉन्ट्रीब्यूशंस किए, दूसरों के जीवन में जो अनुग्रह बांटा, वो अनुग्रह हम कभी भी सोच नहीं सकते हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, प्रभु ने आपको जो भी दिया है, अच्छी बातें भी दी होंगी, बुरी बातें भी दी होंगी। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जिसने हमको अच्छी चीज़ें दी है उस व्यक्ति ने यदि हमको दर्दनाक दर्द भरी चीज़ें दी है तो वो भी हमें खुशी से ग्रहण करना चाहिए, उसके लिए रोते गाते अपने बेच खाना नहीं चाहिए। जब हम प्रभु ने जो दिया है उसको ग्रहण करते हैं और नियमित रूप से उसका सही उपयोग प्रभु पर आश्रय के द्वारा करते हैं, तब धीरे धीरे हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ें बढ़ने लगती हैं और जिसके पास है उसको थोड़े समय के बाद पता चलता है कि बाप रे, प्रभु ने कितना और दिया, मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन जिसके पास नहीं है, मतलब जिसने प्रभु के दिए हुए का उपहास किया, निंदा की, बेच खाया, बाद में उसे पता चलता है कि अरे मैंने तो एक बेचा था, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। क्यों? जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। तीसरी बात जो मैं आज याद दिलाना चाहता हूं वो ये है कि आपके पास क्या है या क्या नहीं है, ये नहीं है इम्पॉर्टेंट, ये नहीं है महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण चीज ये है कि प्रभु ने आपको जो दिया है या प्रभु ने आपको जो नहीं दिया है उसके बारे में आपका सोचना क्या है, उसके बारे में आपका नजरिया क्या है। यदि नजरिया सही हो, सोचने का यदि तरीका सही हो, तो प्रभु आपका जीवन लेकर आपके जीवन को धीरे 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 बदलेंगे और इस तरह से बदल बदल कर आपका जीवन जो है प्रभु के द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक बहुत ही उपयोगी जीवन बन जाएगा। मोतियों के बारे में आप जानते हैं, अपन सब प्लास्टिक की मोतियां देखते हैं जो लोग माला में पिरोते हैं,
लेकिन असली मोती शायद ही किसी ने देखा होगा, बहुत महंगा होता है। असली मोती बहुत ही ज्यादा महंगा होता है। मोती इतना महंगा क्यों होता है? उसका कारण यह है, मोती, असली मोती एक प्रकार का समुद्री जीव है, उसके अंदर होता है। उस जीव को समुद्र से लोग हजारों और दस हजारों में बटोर लेते हैं। सीपी, सीपी को बटोरने के बाद उसको खोलते हैं। इस तरह से लाखों सीपी, हजारों नहीं लाखों सीपियों को खोलने के बाद उनमें कहीं एक मोती मिलता है। इस कारण मोती इतना महंगा होता है। लेकिन इतनी महंगी ये मोती, इसका निर्माण कैसे होता है? सीपी जो कि इस तरह से खुलता है और इस तरह से बंद होता है, नदियों में भी होता है, ज़्यादातर समुद्र में होता है, उसके न हाथ होते हैं, उसके न पैर होते हैं, वो ये अपने आप को खोलता है सिर्फ भोजन के लिए। समुद्र के अंदर जब जोर से पानी बह रहा होता है, कई बार सीपी जब खाने के लिए मुंह खोलता है तो गलती से बजरी, सैंड, उसके एक टुकड़ा उस सीपी के अंदर चला जाता है, उस शेल के अंदर चला जाता है। उसके अंदर ना तो हाथ है ना पैर है जिससे कि वो उसको बाहर पुश कर सके। बस वो जैसे ही बंद हुआ, ये उसके साथ बंद हो गया और उसको, वो अंदर से इतना सॉफ्ट होता है कि उसको भयानक दर्द होता है, क्योंकि हम जानते हैं बजरी के शार्प हिस्से उसके मांस में गड़ने लगते हैं। सीपी क्या करता है, ये शेल क्या करता है? चूंकि वो दर्द है, उस दर्द से मुक्ति पानी है, इस कारण वो अपने शरीर में एक विशेष प्रकार का पदार्थ प्रोड्यूस करता है जिसको उस बजरी के चारों तरफ कोटिंग करता है, कोटिंग करता है, आज करता है, कल करता है, परसों करता है, इस तरह से कंटिन्यूस उस बजरी के चारों तरफ कोटिंग करते 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 वो जो बजरी का टुकड़ा या कंकड़ का टुकड़ा जो शार्प था वो गोल होने लगता है। गोल होते होते लगभग परफेक्ट गोल हो जाता है। ना केवल वो गोल हो जाता है, बहुत ही स्मूथ, बहुत ही चमकीला और एकदम से बहुत ही चिकना हो जाता है। अब सीपी को उस मोती के कारण दर्द नहीं होता है, लेकिन उसको जो दर्द हुआ था उस दर्द में उसने, उस दर्द को छुटकारा पाने के लिए अपने शरीर में जो सर्वोत्तम रासायनिक पदार्थ प्रोड्यूस करके कोट किया, उसके कारण वो कंकड़, वो पत्थर जिसकी कोई कीमत नहीं थी, जिसके लिए उस कंकड़ को खरीदने के लिए कोई फूटी कौड़ी नहीं देगा, क्योंकि आप हाथ बढ़ा लीजिए, हजारों कंकड़ या पत्थर आप हाथ में मुफ्त में ले सकते हैं, लेकिन वो कंकड़ जिसकी कीमत एक फूटी कौड़ी नहीं है, उसको कोटिंग के द्वारा जब उसने एक मोती में बदल दिया तो उसकी कीमत हजारों रुपए हो जाती है। ऐसे भी मोती मिल जाते हैं, बड़े मोती जिनकी कीमत लाखों रुपए होती है। क्यों? उसने जब उसके जीवन में दर्द आया तो बस दर्द है इस कारण अब मैं तो मरने जा रहा हूँ, ऐसा सोचने के बदले उसको कोट करना शुरू किया, उसके ऊपर इस रासायनिक पदार्थ जो उसका लेपन शुरू कर दिया, और इस कारण उसके जीवन में दर्द का, सबसे ज़्यादा दर्द का जो कारण था वो उसके लिए एक बहुमूल्य पदार्थ बन गया सारी दुनिया के लिए।
ये तीसरा पॉइंट है जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, परेशानी किसके जीवन में नहीं आती है, दर्द किसके जीवन में नहीं आता है, धोखा किसके साथ नहीं होता है, रोजी रोटी के लिए किसको संघर्ष नहीं करना पड़ता। लेकिन ये चीजें हमको किस दिशा में ले जाएंगी, ये इस पर डिपेंड करता है कि हमारे नजरिया क्या है, हमारे सोचने का तरीका क्या है। ये तीन चीजें आज मैं आप लोगों के साथ छोड़ जाना चाहता हूँ। पहली बात यह कि प्रभु ने मुझे और आपको जो भी दिया है, अच्छा या बुरा, उसकी निंदा ना करें, उसके बारे में बुरा ना सोचें, उसके आधार पर हम अपने जीवन को बेच खाने की कोशिश ना करें। दूसरी बात, जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसके पास जो भी है वो ले लिया जाएगा। मतलब कि हम अपने आप को बेच खाने के बदले हम प्रभु ने जो भी अवसर दिए हैं उस अवसर का सही उपयोग करें। तीन, यदि ऐसा हमारे जीवन में होना है तो वो तब हो पाएगा जब हमारे सोचने का तरीका सही हो, जब हमारा नजरिया सही हो। और सोचने का तरीका सही कैसे होगा? जब हम परमेश्वर के वचन के आधार पर सोचने लगेंगे। परमेश्वर के वचन के आधार पर कब सोचेंगे? जब हम परमेश्वर के वचन का नियमित रूप से अध्ययन और मनन और पठन करेंगे। इसीलिए मैं बार बार याद दिलाता हूँ, भाइयों बहनों जो भी अवसर मिलता है यहाँ पर आना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं। और एक बार जब हम इस तरह से सामूहिक अध्ययन करते हैं तो प्राइवेट अध्ययन और आसान हो जाता है, जिससे आप घर जाकर बाइबल पढ़कर मनन और ध्यान कर सकें। उसके साथ साथ एक बात और मैं याद दिलाना चाहता हूँ, यदि आप वह सीपी बनना चाहते हैं जो उसके जीवन में जो भी मिला है उसको एक मोती के रूप में कन्वर्ट कर सकता है, तो ये जरूरी है कि आपके अंदर वो नव जीवन हो, वो नया जीवन हो जो आपके आपको बदल सके और आपके जीवन में आपके संपर्क में जो कोई आता है उसको बदल सके। उस नए जीवन के बारे में मैं इसके पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि जिसने भी इस दुनिया में जन्म लिया है वो पापी है। बच्चों को झूठ बोलना नहीं सिखाना पड़ता, वो अपने आप झूठ बोलते हैं। उनको ये बताना पड़ता है बेटे झूठ ना बोलो। क्यों झूठ बोलता है? इसलिए कि हमारे अंदर एक पाप स्वभाव है और उस पाप स्वभाव के कारण हम में से हर व्यक्ति अपने आप को मृत्यु की तरफ ले जा रहा है। प्रभु का वचन बाइबल बताती है हमको कि पाप की सजा मृत्यु है, लेकिन बाइबल ये भी बताती है कि प्रभु हमको प्रभु यीशु के द्वारा नया जीवन देना चाहते हैं। यदि आज प्रभु के वचन को जो लोग सुन रहे हैं इनमें ऐसा कोई भी व्यक्ति है जिसने नया जीवन नहीं पाया है, तो इस हॉल से जाने से पहले इस नए जीवन को पा लें। मैंने इस नए जीवन को आज से बहुत साल पहले पाया था, इस कारण आज मैं कॉन्फिडेंस के साथ आपके सामने खड़ा हूँ कि आज यदि मुझे ये संसार छोड़ना पड़े तो मैं प्रभु के साथ रहूँगा, हमेशा हमेशा सदा सर्वदा के लिए प्रभु के साथ रहूँगा। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं इनमें से बहुत सारे लोग इस नए जीवन का अनुभव कर चुके हैं, और इस नए जीवन के अनुभव को पाने के बाद ही यहाँ से पाएं। जैसा मैंने इसके पहले कई बार बताया था, जेफरी बहुत ही उत्साही जवान है जो आपको ये चीज़ अच्छी तरह से समझाएंगे। ब्रदर क्रिस्टी बहुत ही अच्छे सुंदर हिंदी में आपको ये बात समझाएंगे। इवन हमारी बहनें जो हैं वो भी, उनमें से भी कई लोग हिंदी अच्छे, बल्कि यहाँ आज तो तीनों बहनें जो मौजूद हैं ये हिंदी बोलती हैं, वो भी समझाने को तैयार हैं। बाकी जो पीछे बैठे हैं वो भी हिंदी सीख रहे हैं, जिससे कि जल्दी से जल्दी वो धारा प्रवाह हिंदी बोल सके। मेरे कहने का मतलब यह है कि यहाँ जितने लोग आए हैं इनमें से कई लोग इसलिए आए हैं कि इस नव जीवन के बारे में आपको बता सकें, उसको पाए बिना इस हॉल को ना छोड़ें। इन बातों को समझने के लिए और अपने आप के जीवन को अनुग्रहित करने के लिए प्रभु आप सबकी मदद करें। जय मसीह की।